नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी स्पिनिंग के अंदर कार्डिंग प्रोसेस होती है तो उसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, मतलब करेक्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो आज हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइज, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूँ, मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइस चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है कार्डिंग प्रोसेस पैरामीटर्स। तो कार्डिंग प्रोसेस पैरामीटर्स देखिए गाइस, तो द सिलेक्शन ऑफ करेक्ट प्रोसेस पैरामीटर्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल टास्क इन एनी प्रोसेस। तो गाइस, जो कोई भी प्रोसेस होती है तो उसके अंदर जो करेक्ट प्रोसेस पैरामीटर का चुनाव करना एक बहुत निर्णायक कार्य होता है। द राइट सिलेक्शन ऑलवेज गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ यार्न इन द कार्डिंग प्रोसेस। तो यदि हम कार्डिंग प्रोसेस की बात करें तो कार्डिंग प्रोसेस के अंदर यदि हम अपने प्रोसेस पैरामीटर का सिलेक्शन सही तरीके से करते हैं तो वो आपके यार्न क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के रूप में निकल के बाहर आता है, मतलब आपकी यार्न क्वालिटी अच्छी आती है। द प्रोडक्शन कॉस्ट आल्सो रिड्यूसेस विद द करेक्ट प्रोसेस पैरामीटर्स। और यदि आप अपने प्रोसेस पैरामीटर्स का या कार्डिंग प्रोसेस पैरामीटर्स का चुनाव सही तरीके से करते हैं तब भी क्या होगा कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है कुछ सीमा तक। तो गाइस, मैंने नीचे आपको कुछ कॉमन प्रोसेस पैरामीटर्स दिए हैं बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कार्डिंग के लिए। तो गाइस देखिए, यहाँ पर पहला होता है आपका स्पेसिफिकेशंस ऑफ सिलेंडर वायर्स क्लॉथिंग, दूसरा होता है आपका स्पेसिफिकेशंस ऑफ फ्लैट टॉप वायर क्लॉथिंग, तीसरा होता है आपका स्पेसिफिकेशंस ऑफ लिकरिंग वायर क्लॉथिंग, चौथा होता है आपका स्पेसिफिकेशंस ऑफ डफर वायर्स क्लॉथिंग, पांचवा होता है आपका ड्राफ्ट बेडबीन फीड रोलर एंड डफर, और छठवां होता है आपका सिलेंडर फ्लैट टॉप्स डॉफर एंड लिकरिंग वायर लाइन। तो गाइस, ये कुछ कॉमन बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं, उनका चुनाव करना पड़ता है, आपको सेलेक्ट करना पड़ता है जब आप किसी कॉटन की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। आपको रॉ मटेरियल भी देखना है, आपके कॉटन में वेस्ट परसेंट कितना है वो भी देखना है, आपको फाइबर टू फाइबर फ्रिक्शन कॉटन फाइबर के अंदर कितना है वो भी देखना है, शॉर्ट फाइबर कितने हैं वो भी देखना है। तो उन सब चीज़ों को देख के आपको बेस्ट पॉसिबल जो प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं उनको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो गाइस, अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि जो प्रोसेस पैरामीटर्स मैंने बताए हैं ये, तो मैं एक एक प्रोसेस पैरामीटर का जो इम्पोर्टेंस होता है वो बताता हूँ और कैसे सिलेक्शन करते हैं, क्या क्या देखते हैं वो भी बताते हैं हम आपको। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिकेशंस ऑफ सिलेंडर वायर्स क्लॉथिंग, मतलब जो हमारा मेन सिलेंडर होता है उसके ऊपर वायर क्लॉथिंग लगी होती है, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होने चाहिए। तो गाइस देखिए, द स्पेसिफिकेशंस ऑफ सिलेंडर वायर्स प्ले इफेक्टिव एंड डिसाइसिव रोल इन कार्डिंग परफॉर्मेंस। तो जो हमारा मेन सिलेंडर होता है कार्डिंग के अंदर और उसके ऊपर जो वायर क्लॉथिंग लगी होती है वो आपकी कार्डिंग परफॉर्मेंस को बहुत प्रभावित करती है और निर्णायक रोल प्ले करती है। द स्पेसिफिकेशंस आर सिलेक्टेड मोर प्रिसाइजली अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी प्रोसेस्ड, सिलेंडर स्पीड एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्डिंग मशीन। तो ये जो हम वायर क्लॉथिंग का चुनाव करते हैं कि हमारे मेन सिलेंडर के ऊपर किस तरीके की वायर क्लॉथिंग लगनी चाहिए, तो उसमें हम तीन पॉइंट कंसीडर करते हैं। पहला होता है जो मटेरियल हम प्रोसेस्ड कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल हम प्रोसेस्ड कर रहे हैं तो वो कैसा है, उसके करेक्टरिस्टिक क्या हैं, और दूसरा होता है आपका सिलेंडर की स्पीड, मतलब जो हमारी मशीन है वो कितने स्पीड पर चल रही है, और तीसरा होता है आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आपके मशीन का प्रोडक्शन पर आवर या प्रोडक्शन पर मिनट क्या है। तो ये तीन फैक्टर हम कंसीडर करते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स टू बी considered in selection of वायर of cylinder are given below। तो गाइस, हम नीचे वो characteristic आपको दे रहे हैं जो हम
देखते हैं जब हम कार्ड क्लॉथिंग का चुनाव करते हैं सिलेंडर के लिए, तो गाइस देखिए वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं वो जिनको हम ध्यान में रखते हैं। तो पहला होता है आपका फ्रंट एंगल ऑफ वायर, मतलब जो आपका कार्ड क्लॉथिंग पे वायर यूज किया है उसका फ्रंट एंगल क्या है। टूथ प्रोफाइल, टूथ पिच, रिप थिकनेस, वायर पॉपुलेशन, टूथ पॉइंट, टूथ डेप्थ। अब ये जो मैंने बताया आपको, अब इनको मैं एक एक करके बताता हूँ आपको, तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए गाइस। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रंट एंगल ऑफ वायर, जो मतलब वायर का फ्रंट एंगल होता है वो कितना होना चाहिए, कौन से मटेरियल के लिए कितना होना चाहिए, आपकी स्पीड ज्यादा है तो कितना होना चाहिए, कम है तो कितना होना चाहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पे, द फ्रंट एंगल ऑफ सिलेंडर वायर इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्पीड ऑफ सिलेंडर एंड फाइबर टू फाइबर कोहेशन फोर्स एक्टिंग इन द मटेरियल टू बी प्रोसेस्ड। तो ये जो हमारा फ्रंट एंगल होता है तो उसका हम चुनाव इस तरीके से करते हैं कि जो हमारा मटेरियल की प्रोसेसिंग हो रही है, फाइबर की प्रोसेसिंग हो रही है, तो फाइबर टू फाइबर जो कोहेशन फोर्स है वो कितना है और आपकी जो सिलेंडर है उसकी स्पीड क्या है। द डिग्री ऑफ फ्रंट एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्किंग स्पीड ऑफ द सिलेंडर। और जो हमारा कार्ड क्लॉथिंग का जो वायर एंगल होता है, फ्रंट वायर एंगल होता है, तो उसकी जो डिग्री होती है और जो हमारी स्पीड होती है सिलेंडर की, वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब एक घटता है तो दूसरा बढ़ जाता है और दूसरा घटता है तो पहला बढ़ जाता है। देखिए गाइस, हायर सिलेंडर स्पीड रिक्वायर लोअर फ्रंट एंगल ऑफ वायर फॉर ए गिवन फाइबर। अब मान लीजिए आपको एक फाइबर दिया हुआ है, तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने सिलेंडर को हायर स्पीड पर चला रहे हैं। तो जब आप अपने सिलेंडर को हायर स्पीड पर चलाते हैं तो आपके जो वायर है उसका फ्रंट एंगल कम होगा एक पर्टिकुलर फाइबर के लिए, और हायर प्रोडक्शन रेट रिक्वायर हायर सिलेंडर स्पीड। तो हम ये भी जानते हैं कि यदि हमें प्रोडक्शन रेट ज्यादा चाहिए तो हमारे सिलेंडर की स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए, दस हायर प्रोडक्शन नीड्स हायर स्पेस इन द वायर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा हायर प्रोडक्शन होता है तो उसके वजह से हमें वायर के अंदर ज्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है। हायर स्पीड ऑफ सिलेंडर क्रिएट्स हायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ पे देखिए, जब हमारे सिलेंडर की स्पीड हाई होती है तो ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डेवलप करती है। दिस फोर्स ट्राइज टू इजेक्ट द फाइबर फ्रॉम द सिलेंडर अलोंग विद द ट्रेस। तो ये जो हायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये क्या करता है, आपके फाइबर को सिलेंडर से बाहर की तरफ फेंकता है ट्रेस के साथ में। दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अफेक्ट द वायर्स फ्रंट एंगल। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये हमारे वायर के फ्रंट एंगल को प्रभावित करता है। ए सिलेंडर हैविंग लो फ्रंट एंगल ऑफ वायर एंड वर्किंग एट वेरी हाई स्पीड गिव्स पुअर क्वालिटी इन प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल ऑफ हाई फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर देखिए, यदि हमारा जो सिलेंडर है तो उसका जो फ्रंट वायर एंगल है वो कम है और जो हमारा स्पीड है, वर्किंग स्पीड ऑफ सिलेंडर है वो भी कम है यदि, तो क्या होगा कि जो हमारे फाइबर की प्रोसेसिंग होगी तो वो सही तरीके से नहीं होगी, मतलब आपकी क्वालिटी पुअर आएगी और वो जहाँ पे आप का मटेरियल जो प्रोसेस्ड हो रहा है और उसके अंदर जो कोहेशन फोर्स है यदि वो ज़्यादा है तो वहाँ पे आपकी जो क्वालिटी होगी वो पुअर होगी। दिस पुअर क्वालिटी इज फाउंड ड्यू टू लेस फाइबर ट्रांसफर फ्रॉम सिलेंडर टू डॉफर। तो इस केस में होता क्या है कि जब मशीन हमारी ऑपरेट होती है, चलती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सिलेंडर से डॉफर की तरफ जो फाइबर का ट्रांसफर होता है वो कम होता है। इन दिस वे रिसाइकलिंग ऑफ फाइबर्स टेक्स प्लेस। तो जब हमारा सिलेंडर से डॉफर की तरफ जो फाइबर्स हैं उनका ट्रांसफर सही तरीके से नहीं हो पाता है तो जो फाइबर हमारे सिलेंडर पे रह जाते हैं, चिपके रह जाते हैं, उनकी क्या होता है रिसाइकलिंग होने लगती है, मतलब दोबारा से फिर वो प्रोसेसिंग होने लगती है, रिप्रोसेसिंग होने लगती है। तो उससे क्या होता है कि हमारे फाइबर के अंदर नेप्स जनरेट होते हैं और जो हमारे फाइबर होते हैं वो भी इंटेंगल्ड हो जाते हैं, मतलब उलझ जाते हैं। तो ये तो हुआ आपका जो फ्रंट एंगल ऑफ वायर होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसको हम कैसे सेलेक्ट करें, तो उसको
आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा फाइबर प्रोसेस कर रहे हो और आपकी रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो उसी हिसाब से आपको कार्ड क्लॉथिंग का जो फ्रंट वायर एंगल है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। गाइस अब आते हैं टूथ प्रोफाइल के ऊपर। टूथ प्रोफाइल, द न्यू प्रोफाइल विथ लेस फ्री ब्लेड अवॉइड्स लोडिंग ऑफ द सिलेंडर विथ फाइबर एंड ट्रेस। तो यदि हमारा जो वायर है, क्रॉसिंग वायर है, और उसकी जो प्रोफाइल है उसके अंदर फ्री ब्लेड यदि कम होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा ट्रेस होता है और जो फाइबर होते हैं तो उनका जो सिलेंडर पर लोडिंग होने का चांस कम हो जाता है। दिस हेल्प्स इन कीपिंग द फाइबर्स एट द टिप ऑफ द टूथ। तो इससे एक चीज और होती है कि जो हमारे फाइबर होते हैं वो वायर की टिप पर होते हैं। द मूवमेंट ऑफ द फाइबर टूवर्ड द टिप ऑफ द टूथ कपल्ड विद द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन डिमांड्स एन एक्यूट फ्रंट एंगल टू होल्ड द फाइबर इन प्लेस ड्यूरिंग कार्डिंग। अब गाइस आते हैं जो हमारी टूथपिक होती है वो क्या प्रभाव डालती है। तो गाइस देखिए टूथपिक का सिलेक्शन कैसे करते हैं। सिंस द फाइन फाइबर्स और लॉन्ग स्टेपल फाइबर्स हैज वेरी लो स्टिफनेस। गाइस ये हमें पता है कि जो हमारे फाइन फाइबर होते हैं या लॉन्ग स्टेपल फाइबर होते हैं उनकी स्टिफनेस बहुत कम होती है। सो दैट सच काइंड ऑफ फाइबर नीड मोर कंट्रोल ड्यूरिंग कार्डिंग प्रोसेस। तो इस तरीके के फाइबर को प्रोसेस करने के लिए हमें ज़्यादा कंट्रोल की आवश्यकता होती है। दिस कंट्रोल इज अचीव्ड बाई चूजिंग द करेक्ट टूथपिच। तो ये जो कंट्रोल हमें चाहिए होता है तो वो कहाँ से प्राप्त होता है हमें, जब हम अपने वायर की टूथपिच को सही तरीके से सेलेक्ट करते हैं। दिस टूथपिच प्रोवाइड्स द करेक्ट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीथ टू द फाइबर लेंथ। तो ये जो टूथपिच होती है इससे हमें नंबर ऑफ टीथ और फाइबर लेंथ के बीच में एक सही रेशियो प्राप्त हो जाता है। शॉर्ट फाइबर्स एंड फाइबर्स हैविंग लेस स्टिफनेस रिक्वायर्ड लेस टूथपिच। तो यदि हमारे फाइबर शॉर्ट होते हैं और उनकी जो स्टिफनेस कम होती है तो वहां पे हमें कम टूथपिच की आवश्यकता होती है। अब गाइस देखिए रिब विड्थ। तो द रिब विड्थ डिसाइड्स द नंबर ऑफ पॉइंट्स अक्रॉस द कार्डिंग मशीन। तो जो रिब विड्थ होती है वो हमारी कार्डिंग मशीन के अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स डिसाइड करती है। द रिब विड्थ इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर कैरेक्टरिस्टिक एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द मशीन। तो कार्ड क्लॉथिंग की जो रिब विड्थ होती है उसकी हम जो सिलेक्शन करते हैं तो उसमें हम एक तो फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और मशीन का जो प्रोडक्शन रेट होता है वो देखते हैं। द फाइनर फाइबर नीड फाइनर रिब विड्थ। यदि हमारा फाइबर फाइन होता है तो जो कार्ड क्लॉथिंग की रिब विड्थ होती है वो भी फाइन रखी जाती है। द फाइनर रिब विड्थ इज सिलेक्टेड फॉर हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो यदि हमें हायर प्रोडक्शन रेट चाहिए होता है तो हम फाइनर रिब विड्थ सेलेक्ट करते हैं। अब गाइस देखिए वायर पॉपुलेशन। द प्रोडक्ट ऑफ द रिब थिकनेस एंड टूथपिच इज कॉल्ड वायर पॉपुलेशन। तो जो हमारा वायर पॉपुलेशन होता है वो क्या होता है कि जो रिब की थिकनेस होती है और जो टूथपिच होती है उसको जब हम गुणा करते हैं आपस में तो जो संख्या प्राप्त होती है वो वायर पॉपुलेशन कहलाती है। जनरली हायर प्रोडक्शन रेट नीड्स हायर वायर पॉपुलेशन। तो जनरली क्या होता है कि यदि हमें प्रोडक्शन रेट हाई चाहिए होता है तो उतने ही ज़्यादा हम वायर पॉपुलेशन रखते हैं कार्ड क्लॉथिंग के अंदर। अब गाइस देखिए टूथ पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए आप द शार्प टूथ पॉइंट पेनेट्रेट द फाइबर टफ्ट मोर इजिली एंड हेल्प टू इंक्रीज द कार्डिंग एक्शन। तो यदि आपका जो वायर का जो पॉइंट है वो शार्प है तो उससे क्या होता है वो टफ्ट के अंदर कॉटन टफ्ट के अंदर इजिली पेनेट्रेट हो जाता है, मतलब प्रवेश कर जाता है उसके अंदर और जो हमारा कार्डिंग एक्शन होता है वो भी अच्छी तरीके से हो पाता है। द कट टू पॉइंट वायर आर शार्प एंड दे हैव नो लैंड एट ऑल। तो जो हमारे कट टू पॉइंट वायर होते हैं
तो वो शार्प भी होते हैं और वो ज्यादा स्पेस भी कवर नहीं करते हैं। अब गाइस देखिए, टूथ डेप्थ, तो द इफेक्टिव वर्किंग डेप्थ ऑफ ए सिलेंडर वायर टूथ फॉर कॉटन इज अप्रोक्सीमेटली 0.2 mm। तो यदि हम अपनी मशीन के अंदर जब हम कॉटन की प्रोसेसिंग करते हैं तो वहां पे जो हमें इफेक्टिव वायर की डेप्थ चाहिए होती है वो होती है आपकी 0.2 mm, एंड फॉर सिंथेटिक मटेरियल अप्रोक्सीमेटली 0.4 mm। और जो सिंथेटिक मटेरियल यदि हम प्रोसेस कर रहे हैं तो वहां पे आपको इफेक्टिव वर्किंग डेप्थ चाहिए होती है वायर की, वो होती है आपकी 0.4 mm। द मैन मेड फाइबर्स रिक्वायर मोर स्पेस इन देयर सिलेंडर वायर देन कॉटन। अब क्या होता है कि जो हमारा मैन मेड फाइबर होता है तो उसके लिए हमें ज्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है, कॉटन से ज्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है वायर के अंदर। मोर टूथ डेप्थ अलाउज द फाइबर टू रिसाइकल। तो क्या होता है यदि टूथ की डेप्थ ज्यादा होगी तो वहां पर फाइबर के रिसाइकल होने की संभावना बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है कि एक तो नेप जनरेशन होता है और फाइबर डैमेज होने की भी संभावना बनी रहती है। इफ टूथ डेप्थ इज इनसफिशियंट, यदि हमारी जो वायर टूथ की डेप्थ है वो इनसफिशियंट होती है, पर्याप्त नहीं होती है, फाइबर कंट्रोल इज लॉस्ट, तो फिर क्या होता है कि जो फाइबर का कंट्रोल होता है वो गड़बड़ हो जाता है। दिस रिजल्ट्स इन इवन ग्रेटर नेप जनरेशन। तो इससे क्या होता है और ज्यादा नेप जनरेशन की संभावना बढ़ जाती है। अब गाइस आता है आपका स्पेसिफिकेशंस ऑफ डॉफर्स वायर क्लॉथिंग। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं जो कि मेन स्पेसिफिकेशंस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। देखिए गाइस, पहला क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ डॉफर इन द कार्डिंग मशीन इज फाइबर स्ट्रिपिंग फ्रॉम सिलेंडर। तो जो डॉफर होता है उसका फंक्शन ये होता है कि वो सिलेंडर से फाइबर को स्ट्रिपिंग करता रहता है। दिस स्ट्रिपिंग एक्शन इज आल्सो कॉल्ड कार्डिंग एक्शन। और जो स्ट्रिपिंग एक्शन होता है इसको हम कार्डिंग एक्शन भी कहते हैं। द फ्रंट एंगल ऑफ डॉफर वायर ग्रेटली अफेक्ट द फाइबर रिलीजिंग फ्रॉम सिलेंडर। तो जो हमारे डॉफर वायर का फ्रंट एंगल होता है तो उसका वर्किंग बहुत ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे सिलेंडर से कितने फाइबर रिलीज हो रहे हैं। द ऑप्टिमम एंगल ऑफ 60 डिग्री इज यूज्ड टू अचीव बेटर स्ट्रिपिंग ऑफ फाइबर। तो जो हमारा डॉफर होता है उसमें हम ऑप्टिमम 60 डिग्री का एंगल यूज करते हैं जिससे कि हमें एक अच्छी स्ट्रिपिंग प्राप्त हो जाती है फाइबर की। अब देखिए गाइस, तीसरा, द वायर पॉपुलेशन इन डॉफर इज कैप्ट बिलो 400 PPSI टू अचीव बेटर क्वालिटी ऑफ द यार्न। और जो हमारा वायर क्लॉथिंग होती है उसकी वायर पॉपुलेशन को हम 400 PPSI रखते हैं जिससे कि हमें यार्न की बेटर क्वालिटी प्राप्त होती है। द डॉफर वायर हाइट इज कैप्ट 5 mm, और डॉफर वायर की हाइट को हम 5 mm रखते हैं। इन कार्डिंग मशीन हैविंग स्मॉल डॉफर, तो ये हम कहाँ पर रखते हैं, यहाँ पे कार्डिंग मशीन में डॉफर छोटे छोटे होते हैं। दिस वायर हाइट इम्प्रूव ट्रांसफर ऑफ फाइबर फ्रॉम सिलेंडर टू डॉफर। और ये जो वायर हाइट होती है इससे क्या होता है कि सिलेंडर से डॉफर की तरफ फाइबर का जो ट्रांसफर होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। गैस देखिए, अब पांचवा, द फाइबर फ्रिक्शन एंड हाई डॉफर स्पीड ग्रेटली रिड्यूस द फाइबर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द डॉफर। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो फाइबर का फ्रिक्शन और डॉफर की स्पीड। तो यदि जो हमारा डॉफर है उसकी स्पीड यदि ज्यादा हो और फाइबर का जो फ्रिक्शन होता है तो उससे क्या होता है कि डॉफर की फाइबर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो घट जाती है। देयरफॉर वायर्स विद एस्ट्रिएशन आर यूज्ड टू अचीव बेटर रिजल्ट इन द कार्डिंग प्रोसेस। अब गाइस देखिए, स्पेसिफिकेशन ऑफ लिकर इन वायर्स क्लॉथिंग। तो यहाँ पे मैंने बताए हुए हैं कि जो हमारी लिकर इन होती है उसको टेकर इन भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, तो उसके अंदर जो कार्ड क्लॉथिंग लगी होती है, वायर क्लॉथिंग होती है, तो वो क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए आपकी क्वालिटी के हिसाब से, आपकी स्पीड के हिसाब से। तो गाइस देखिए, यहाँ पर पहला स्पेसिफिकेशन, द फाइबर टू फाइबर ओपनिंग इज अचीव्ड बाई लिकर इन। जो हमारी फाइबर टू फाइबर ओपनिंग होती है
मतलब एक फाइबर जहाँ पे अलग होता है वो लेकर इनमें होता है, द कॉटन टफ्ट्स आर ओपन्ड फुली विद द हेल्प ऑफ लेकरिन, जो हमारे कॉटन के टफ्ट होते हैं वो लेकरिन की सहायता से ही बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं फाइबर। ए लेकरिन वायर एंगल ऑफ 85 इज जनरली यूज्ड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एज वेल एज मीडियम एंड लॉन्ग स्टेपल कॉटन। तो जो हमारा लेकरिन होता है तो उसका जो कार्ड क्लॉथिंग होता है उसका वायर एंगल 85 डिग्री के आसपास में नॉर्मली हम यूज करते हैं, तो वो हमारे तो सिंथेटिक फाइबर के लिए भी सुइटेबल होता है, और जो हमारे कॉटन फाइबर होते हैं मीडियम और स्टेपल लेंथ के जो कॉटन फाइबर होते हैं उनके लिए सुइटेबल होता है। ए वायर एंगल ऑफ 80 डिग्री गिव्स बेटर परफॉर्मेंस इन द प्रोसेसिंग ऑफ कोर्स एंड डर्टी कॉटन फाइबर। अब यदि आपका कॉटन है वो कोर्स कॉटन है और वहाँ पे ट्रेस वगैरह ज़्यादा है, मतलब इम्प्योरिटीज ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो वायर एंगल रखा जाता है वो 80 डिग्री रखा जाता है, तो वहाँ पे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ वायर एंड शार्पनेस ऑफ वायर पॉइंट हैव वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ए कार्डिंग मशीन। तो गाइस जो वायर होते हैं हमारे यूज करते हैं हम, तो वहाँ पे क्या होता है कि यदि उनकी जो हार्डनेस है और वायर की स्ट्रेंथ है और वायर पॉइंट की जो शार्पनेस होती है, तो वो कार्डिंग मशीन के परफॉर्मेंस पे बहुत प्रभाव डालती है। द वायर्स ऑफ लेकरिन नेवर ग्राइंड, तो जो लेकरिन के वायर होते हैं उनकी कभी भी ग्राइंडिंग नहीं की जाती है। द थिनर ब्लेड्स एफिशिएंटली रीच डीपली इनटू द फाइबर टफ्ट, और जो यदि हमारे ब्लेड होते हैं जो पतले होते हैं तो वो प्रभावी रूप से आपके कॉटन टफ्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। द वायर लाइफ इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, और जो हमारे वायर होते हैं उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। द हायर नंबर ऑफ वायर रो पर इंच इन लेकरिन गिव्स बेटर रिजल्ट, यदि हमारे लेकरिन के अंदर जो वायर्स की रो है तो पर इंच कितनी है, यदि वायर की रो पर इंच यदि ज्यादा होती है तो उससे क्या होता है रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। टुडे लेकरिन हैज अप टू 12 वायर रोज पर इंच, जो आज के हमारे जो कार्ड आ रहे हैं तो उनके अंदर वायर रो की 12 रो होती हैं पर इंच में। इट गिव्स बेटर परफॉर्मेंस देन लेकरिन हैविंग 8 वायर रो पर इंच, तो यदि हमारे लेकरिन में जो वायर रो हैं पर इंच यदि 12 होते हैं तो वो उन कार्डिंग मशीन से अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं जिनके लेकरिन में 8 वायर रो पर इंच यूज किए जाते हैं। इफ द वायर पिच इज नॉट सफिशियंट द वायर पिच इज कंपनसेटेड बाई इंक्रीजिंग लेकरिन स्पीड, तो गाइस क्या होता है यदि हमारा जो वायर होता है उसकी पिच यदि सफिशियंट नहीं है, पर्याप्त नहीं होती है, तो इसको हम कंपनसेट कैसे करते हैं कि हम लेकरिन की स्पीड बढ़ा देते हैं। हायर लेकरिन स्पीड कॉजेस फाइबर रप्चर, तो क्या होता है कि जैसे ही हम स्पीड बढ़ाते हैं लेकरिन की ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा तो फाइबर रप्चर होने लगता है। द लेकरिन स्पीड वेरीज अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ फाइबर टू बी प्रोसेस्ड, जो लेकरिन होता है उसकी स्पीड इस बात पर डिपेंड करती है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है मशीन का और दूसरा आप कौन सा फाइबर प्रोसेस्ड कर रहे हैं। अब गाइस आता है आपका स्पेसिफिकेशंस ऑफ फ्लैट टॉप वायर्स, मतलब जो फ्लैट टॉप वायर्स होते हैं तो उनके क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पे द यूज ऑफ फ्लैट टॉप हैविंग मोर देन वन पॉपुलेशन गिव इम्प्रूव्ड कार्डिंग परफॉर्मेंस, तो जो फ्लैट टॉप होता है उसके ऊपर यदि हम वायर यूज कर रहे हैं तो एक पॉपुलेशन से यदि हम ज्यादा यूज कर रहे होते हैं तो वहां पे कार्डिंग एक्शन अच्छा होता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ 80/450 इज यूज्ड इन द फ्लैट टॉप जनरली, तो जो हमारा फ्लैट टॉप होता है उसके अंदर 80/450 का कॉम्बिनेशन नॉर्मली यूज किया जाता है। दिस कॉम्बिनेशन गिव्स बेटर परफॉर्मेंस इन द प्रोसेसिंग ऑफ बोथ द मटेरियल कॉटन एंड सिंथेटिक, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया आपको तो ये कॉटन में भी इफेक्टिव होता है और आपके सिंथेटिक फाइबर में भी उतनी प्रभावी होता है। द रिजिडिटी ऑफ फिलेट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू मटेरियल टू बी प्रोसेस्ड, और जो फिलेट की रिजिडिटी होती है मतलब कठोरता होती है तो उसको मटेरियल के हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं, मतलब कौन सा मटेरियल हम प्रोसेस्ड कर रहे हैं उसके हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। डिफरेंट फिलेट रिजिडिटी इज यूज्ड इन द कॉटन एंड सिंथेटिक फाइबर्स, तो कॉटन
और सिंथेटिक फाइबर की प्रोसेसिंग में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिलेट रिजिडिटी का प्रयोग करते हैं। द नंबर ऑफ वायर्स पॉइंट ऑन स्टेशनरी फ्लैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कार्डिंग प्रोडक्शन। तो जो स्टेशनरी फ्लैट होते हैं उनके ऊपर नंबर ऑफ वायर्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कार्डिंग प्रोडक्शन में। नॉर्मली द नंबर ऑफ वायर पॉइंट्स वेरीज बिटवीन 300 to 400। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो फ्लैट के ऊपर वायर पॉइंट होते हैं 300 से 400 होते हैं। 600 नंबर ऑफ वायर पॉइंट आर यूज्ड इन हाई प्रोडक्शन रेट ऑफ कार्डिंग। और जो हमारे हाई प्रोडक्शन कार्ड होते हैं तो उनके अंदर जो फ्लैट टॉप होते हैं उनके ऊपर 600 वायर पॉइंट के फ्लैट टॉप यूज किए जाते हैं। इफ फ्लैट टॉप यूजिंग इन द प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन आर यूज्ड फॉर सिंथेटिक फाइबर प्रोसेसिंग मोर हीट इज जनरेटेड ड्यू टू लोड ऑन द सिलेंडर। तो जो फ्लैट टॉप हम कॉटन में यूज करते हैं यदि वही फ्लैट टॉप हम सिंथेटिक फाइबर की प्रोसेसिंग में यूज करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हीट ज्यादा जनरेट होती है। और वो क्यों होती है कि हमारे सिलेंडर के ऊपर ज्यादा लोड आता है। हेंस हाई स्टैटिक चार्जेस डेवलप्स एंड द चांसेस ऑफ सिलेंडर लोडिंग आर इंक्रीज। तो इससे क्या होता है कि स्टैटिक चार्जेस डेवलप होते हैं और सिलेंडर के ऊपर फाइबर लोडिंग ज्यादा बढ़ जाती है। सेमी रिजिड फ्लैट टॉप्स गिव बेटर परफॉर्मेंस इन द प्रोसेसिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो हम यदि सिंथेटिक फाइबर की प्रोसेसिंग में सेमी रिजिड फ्लैट टॉप का प्रयोग करते हैं तो हमें बेटर परफॉर्मेंस प्राप्त होती है। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपको कार्डिंग प्रोसेस के बारे में बताया कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो आपको प्रिसाइजली सिलेक्ट करने पड़ते हैं जो कि आपकी कार्डिंग परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। तो गाइस देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन दबाएं, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।